हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आसिफ खान एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी टू टाइप्स कवर कर चुका हूं, दैट इज पॉलिनेशन बाय विंड एनिमोफिली एंड पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली। लिंक्स अवेलेबल है इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, पहले उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे जो अदर टाइप्स है क्रॉस पॉलिनेशन के, क्योंकि अब तक हम लोगों ने सिर्फ टू एजेंट्स के बारे में पढ़ा ना, बाय विंड एंड बाय वाटर, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। बट थर्ड टाइप इज वेरी कॉमन टाइप एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, एंड दैट टाइप इज एंटमोफिली। ओके, सो व्हाई एंटमोफिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि एंटमोफिली मींस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। एंड आपको पता है ना, इंसेक्ट्स से पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है। एंड उन्हीं इंसेक्ट्स में, उसी इंसेक्ट की कैटेगरी में हनीबीज भी आती हैं, बीज भी आते हैं जिससे आप हनी डिराइव करते हो। बात समझ में आ रही है ना? तो जितना भी इंसेक्ट वर्ल्ड है, क्लास इंसेक्ट आपने पढ़ा होगा आर्थ्रोपोडा में, सारे इंसेक्ट्स तो नहीं, बट हाँ, मोस्ट ऑफ देम आर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिनेशन, एंड दैट्स व्हाई एंटमोफिली मींस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होने के लिए अडेप्टेशन क्या होने चाहिए, क्योंकि जिन फ्लावर में इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है उसे हम एंटमोफिलस फ्लावर बोलते हैं। ओके, अब एंटमोफिलस फ्लावर के अडेप्टेशन क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्यों ये प्रमोट करता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, अब वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो अडेप्टेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है, जिसपे आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स डिपेंड होती है, वो है इसका अबंडेंस नेक्टर। नेक्टर आप जानते हैं, इट्स अ स्वीट शुगरी फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द पेटल ऑफ ए फ्लावर। अब उस पेटल पे इंसेक्ट्स फीड करने आया, फीड किसको करने आया, फीड करने आया है नेक्टर को। ओके, विच इज अ स्वीट शुगरी फ्लूइड। ओके, अब इसको फीड करने आया वो पेटल्स पे, इसको फीड करते 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 वो एंड्रोशियम तक पहुंचा। पॉलन ग्रेन्स तो वैसे ही मैं बता चुका हूं, दे आर स्टिकी इन नेचर, तो उनके क्लॉज में पॉलन ग्रेन्स आके स्टिक हो गए। एंड फाइनली व्हेन दे लैंड ऑन अनदर फ्लावर, और अगर वो स्टिग्मा तक पहुंचे, तो स्टिग्मा का नेचर क्या होता है, स्टिग्मा इज मेनली फैदरी, फैदरी होता है और स्टिकी तो होता ही है ना। अब वो स्टिग्मा जो स्टिकी है, जो फैदरी है, वो इजीली ट्रैप कर लेगा पॉलन ग्रेन्स को। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो अडेप्टेशन में फर्स्ट अडेप्टेशन तो बहुत इजीली समझ में आ गया आपको, दैट इज अबंडेंस नेक्टर। क्लियर ना? अब अपार्ट फ्रॉम नेक्टर, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द ब्रिलियंट कलर ऑफ द पेटल्स, क्योंकि जितना ये ब्रिलियंटली कलर्ड होता है ना, पेटल्स आप जानते हो ना, दे आर अवेलेबल इन मैनी कलर्स, तो ये कलर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, और इसी अट्रैक्शन की वजह से इंसेक्ट्स इनके ऊपर फीड करने जाते हैं, और उसी टाइम पे सेम कंडीशन, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स स्टिक होंगे विद द क्लॉज, एंड व्हेन द इंसेक्ट्स रीच ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो इट गेट्स ट्रैप्ड बाय द स्टिग्मा। ओके, द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज ब्रिलियंटली कलर्ड, एंड ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द हाईली फ्रेग्रेंस ऑफ नेक्टर। नेक्टर इतना ज्यादा फ्रेग्रेंस देता है कि इंसेक्ट उस फ्रेग्रेंस की तरफ अट्रैक्ट होके फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और उस अट्रैक्शन से पॉलिनेशन भी
होता है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मेंशन करनी है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट के लिए। ओके तो हाई फ्रेग्रेंस, हाईली फ्रेग्रेंट। ओके अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एंटमोफिली जो आपके एनसीईआरटी ने भी कवर किया है, बहुत से हाइड्रोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स मतलब वो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो होते हैं, उन प्लांट्स में भी पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको वाटर लिली आपने देखा होगा, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ इज ए कॉर्निया, इसे जलकुंभी भी कहते हैं। इजीली आपने इसे नोटिस किया होगा अगर आपके आसपास कोई पॉन्ड है। और वाटर लिली ये भी बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं, वाइट इन कलर। ओके तो ये दोनों ही हाइड्रोफाइट्स हैं बट इनका पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट से होता है। ओके पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स, ये चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और एनसीईआरटी का कोई भी लाइन हम मिस नहीं कर सकते। ओके सो आई होप अडेप्टेशन आपको समझ में आया होगा। ओके बहुत सिंपल अडेप्टेशन है ना, नेक्टर कलर एंड फ्रेग्रेंस। अब हम बात करेंगे फोर्थ एजेंट्स के ऊपर बेस्ड, फोर्थ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज ऑर्निथोफिली। ओके तो फोर्थ मोड इज ऑर्निथोफिली। अब ऑर्निथोफिली का जो अडेप्टेशन है वो ऑलमोस्ट एंटमोफिली की तरह ही है, तो मैं इसे दोबारा मेंशन नहीं करूंगा बट इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्निथोफिली किस मोड की तरफ इशारा कर रहा है। ओके सो ऑर्निथोफिली इज दैट मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन विच द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बर्ड्स। ओके तो बर्ड्स भी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो ये तो अंडरस्टूड है ना, बर्ड्स भी अट्रैक्ट होंगी टूवर्ड्स कलर, टूवर्ड्स फ्रेग्रेंस एंड टूवर्ड्स नेक्टर। ओके तो सेम अडेप्टेशन, तो अडेप्टेशन आर सेम एज ऑफ एंटमोफिली, क्लियर ना। तो ये ऑलरेडी मैं अडेप्टेशन बता चुका हूं, सेम अडेप्टेशन ऑर्निथोफिली में भी आएगी। और हाँ, जिन फ्लावर में बर्ड से पॉलिनेशन होता है उसे ऑर्निथोफाइलस फ्लावर बोलते हैं, ऑर्निथोफाइलस फ्लावर, क्लियर ना। अब लास्ट मोड अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिनेशन बाय बैट्स, एंड बैट्स से पॉलिनेशन वाली मोड को हम काइरोटेरोफिली बोलते हैं। ओके सो दिस इज द फिफ्थ मोड, काइरोटेरोफिली, एंड काइरोटेरोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय बैट्स। तो चमगादड़ों से भी पॉलिनेशन हो सकता है, समझ रहे हैं ना, चमगादड़ों से भी पॉलिनेशन हो सकता है। अब देखिए ये तो अंडरस्टूड है ना, अगर चमगादड़ से आपको बैट से पॉलिनेशन कराना है तो फ्लावर्स बहुत सिलेक्टेड होंगे। सिलेक्टिव क्यों होंगे, क्योंकि बैट्स नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल है ना मतलब ये रात को ही जागता है, समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपली इसको समझना है आपको। तो पहला अडेप्टेशन तो यही होगा ना कि जिन फ्लावर में बैट से पॉलिनेशन हो वो ब्लूम भी नाइट में करें, नाइट में ब्लूम करेंगे तभी तो पॉलिनेशन नाइट में होगा, अगर नाइट में वो ब्लूम ही नहीं करेंगे तो पॉलिनेशन के चांसेस नहीं है। तो अडेप्टेशन में द फर्स्ट अडेप्टेशन इज दैट द फ्लावर मस्ट ब्लूम एट नाइट। ओके ये नाइट में ब्लूम करे। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि नाइट में पॉलिनेशन हो रहा है, डार्क में पॉलिनेशन हो रहा है, तो फ्लावर को मोस्टली व्हाइट ही होना पड़ेगा सो दैट बैट्स कैन इजिली सी द फ्लावर। एंड सेकेंड जो चीज होती है इन फ्लावर्स में वो है इसका हाईली फ्रेग्रेंस। ओके हाईली फ्रेग्रेंट जो पेटल होता है ये भी बैट को अट्रैक्ट करता है। तो हाईली फ्रेग्रेंट मोस्टली वाइट एंड दे आर
Bloom at night. Okay, so these are the adaptation in which the pollination takes place by bats, and the flowers are known as chiropterophyllus. Clear now? अब ये तो कंप्लीट कवरेज हो गया पॉलिनेशन बाय द वेरियस एजेंट्स. ओके, बाय विंड, एनिमोफिली, बाय वाटर, हाइड्रोफिली, बाय इंसेक्ट्स, एंटेमोफिली, बाय बर्ड्स, ऑर्निथोफिली, एंड बाय बैट्स, काइरोटेरोफिली. अब कुछ यूनिक एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, तो उनको भी कवर करते हैं. फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है अमर्फोफैलस फ्लावर का, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने यूनिक कॉन्सेप्ट या यूनिक एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन होते हैं ना, उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज अ क्वेश्चन फ्रेम होने के. ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट यूनिक मोड ऑफ पॉलिनेशन. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अमर्फोफैलस फैलस फ्लावर. इस फ्लावर का यूनिक नेचर क्या है, ये फ्लावर बहुत लार्ज होता है, अराउंड 6 feet लॉन्ग. और मैं इस पिक्चर से ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने एटलीस्ट नहीं देखा है वो एक बार देख लें कि इस फ्लावर का लेंथ कितना है. सोचिए कितना लार्ज है ये फ्लावर, 6 feet इन द हाइट. ओके, और इस फ्लावर का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अमर्फोफैलस फ्लावर अपने ओवरी में, अपने इनर स्पेस में सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर मेनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स फॉर लेइंग एग्स देयर, एंड फाइनली इन रिटर्न दोज इंसेक्ट्स हेल्प्स इन द पॉलिनेशन ऑफ अमर्फोफैलस. ओके, सो दे प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट टू लेड एग्स, एंड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ एनवायरनमेंट टू ले एग्स फॉर मैनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है, तो ये चीज तो बहुत सिंपल थी कि ये एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहा है इंसेक्ट स्पीशीज को, जिस इंसेक्ट्स अपने एग्स को सेफली वहां ले कर सके. एंड इन रिटर्न क्या होता है, इन रिटर्न दीज इंसेक्ट्स helps in the pollination of Amorphophallus. Okay, helps in the pollination of Amorphophallus. Clear na? एक ऐसा ही relationship हमें दिखता है yuca and moth में, and इस relationship में क्या होता है ये भी हम discuss कर ले. तो यूका एंड मॉथ का जो रिलेशनशिप है बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अमर्फोफैलस फ्लावर का है. ओके, तो यूका एंड मॉथ में क्या होता है कि मॉथ अपने एग्स को लेट करता है इनटू द लुक्यूल कैविटी, मींस द कैविटी ऑफ ओवरी ऑफ यूका. ओके, तो मॉथ लेड इट्स एग्स इन द लुक्यूल कैविटी. Locule cavity means a cavity of ovary. Locule cavity of ovary. Okay. And in return, yucca gets pollinated by this moth. Okay. तो ये दोनों जो relationship है ये सिंबायोसिस है. सिंबायोसिस का मतलब जानते हैं ना, म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों ही स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है एक दूसरे से. सो बोथ द स्पीशीज गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, एंड इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन टू. सो अपार्ट फ्रॉम दीज 5, वन मोर एग्जाम्पल विच इज देयर इन योर एनसीईआरटी, दैट इज पॉलिनेशन बाय स्मॉल एनिमल्स, एंड इट इज टर्म्ड एज ज़ूफाइली. By pollination takes place by lammers, okay, some rodents,
रोडेंट्स में माइस भी आता है, रैट भी आता है, एंड लैमर इज अ वेरी सिमिलर टू द स्पीशीज ऑफ मंकीज. ओके, एंड वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज गार्डन लिजर्ड. ओके, तो ये स्मॉल एनिमल्स भी हेल्प करते हैं इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर. ओके, सो आई हैव कवर्ड ऑल द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. आई होप ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आपको समझ में आया होगा. जिन लोगों ने प्रीवियस टू पार्ट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन मिस किया है, मीन्स एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली, उनके लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. एंड वन मोर थिंग, जो लोग चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें.